Shark Tank India is my favorite TV serial right now. And उसी को देखते हुए आज की वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ फुल फेस ऑफ रिकोड कॉस्मेटिक्स. सो रिकोड कॉस्मेटिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रांड्स ऑन शार्क टैंक सीजन 2 राइट नाउ, बिकॉज एज यू गाइज नो शुगर जो है वो रिकोड कॉस्मेटिक्स के डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आता था. तो इस वजह से शार्क टैंक ने सोनी लिव ऐप और लाइक बाकी जगहों से रिकोड कॉस्मेटिक्स का नामो निशान हटा दिया. सो या आई थॉट के क्यों ना मैं इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करूं एंड मैं आपको एक फुल रिव्यू दे पाऊं कि क्या एक्चुअल में इतने बुरे प्रोडक्ट्स थे, क्या एक्चुअल में इतनी बुरी पैकेजिंग थी. जो कि पैनल में शार्क्स बैठी हुई होती हैं, उन्होंने इतना बुरा बोला था पैकेजिंग के बारे में एंड ऑल्सो काफी मजाक भी उड़ाया गया था उनका. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि क्या है एक्चुअल में रिकोड के प्रोडक्ट्स के बारे में. एंड मैंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं. आई हैव फुल फेस मेकअप ऑफ रिकोड कॉस्मेटिक्स राइट हेयर विद मी एंड ये सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बहुत इजिली अवेलेबल थे, तो ये मैंने वहां से ही लिए हैं. नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. एंड या लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो एंड लेट्स सी व्हाट्स द ट्रुथ बिहाइंड रिकोड कॉस्मेटिक्स. तो पहली बात तो मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा वो थी इनकी पैकेजिंग. लाइक एक साथ एक ही पैकेट में आया है एंड अलग अलग जो अमेज़न की पैकेजिंग होती है उसमें नहीं आया, विच वॉज रियली अ गुड पॉइंट. सो लेट्स ओपन दिस पैकेज राइट नाउ. अभी और पैकेजिंग बची है, ये भी पूरा अच्छे से टेप हो रखा है एंड काफी ज्यादा तगड़ी पैकेजिंग करके दी है भाई, इतनी भी नहीं करनी थी. फाइनली पैकेजिंग मुझे दिख गई है, फाइनल जो पैकेजिंग है. लेट्स जस्ट ओपन दिस. बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है इसमें. तो जो सबसे ऊपर मेरे को दिख रहा है वो ये है. सो लेट्स ओपन दिस वन फर्स्ट. वाओ, बहुत अच्छी खुशबू है यार. वाओ, it just smells amazing. I don't know what these are like. मुझे ये लग रहा है कि dried leaves हैं ये. I really don't know. But they look like this. Now this actually shows कि packaging खुद से करते हैं because such small elements like plus one already हो चुका है इनका. So yeah, this is the whole product. Packaging wise, I do think they are okay. Like इतनी बुरी packaging नहीं है. I don't know कि उन्होंने change करी है या नहीं. But I do like this holographic kind of packaging. So yeah, let's try all these products and let's see कि ये कैसा काम करता है. I'm really looking forward. बस एक ये packaging है जो अलग है, बाकी सारी की सारी वही silver holographic वाली है. And this is like their non-transfer lip crayon. So, alright, let's dive into the products now. So first I want to prime my face. लेकिन उससे पहले मेरे पास ये product है which is Recode Studio Pro का Prep Set and Glow. तो इस पे लिखा हुआ है कि ये moisturizer से पहले लगाना होता है and makeup खत्म करने के बाद लगाना होता है. So I'm gonna do exactly like that. Love this packaging. Let's just spray it 15 centimeter दूर से. Alright, so it does have a very little like shimmery particles, बहुत हल्के हल्के, not too much, but they're very very subtle. Like मेरे को बहुत time लगा वो particles actually visible होने में. तो yeah, it is good, but आपको बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा because जो इसका spray है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा. It's not that even, तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन it's a good product. I don't know कि इससे कितना makeup टिकेगा, but for the glow it's really really nice. Like I can see the silver particles, so it's good. I'm gonna rate it 8.5 out of 10. Next we are going to use Ace of Base primer and this is a mattifying primer for all skin types. So let's see कि कितना mattify करता है ये हमारे face को. छोटा सा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा छुटकू सा है. It's 10 ml of product and it retails for 295. Price wise ये ज़्यादा affordable भी नहीं है, but it's not on the luxurious side also. So it's like sugar जितना ही लग रहा है मेरे को तो अभी. So मेरे forehead पे काफी ज़्यादा pores वगैरह हैं. So I'm just gonna do a little close up. It is actually mattifying my face and blur भी कर रहा है ये. So it is really good. Like for the price also, it's really nice. I like this primer and I'm gonna give it 9.5 out of 10. It's really, really, really nice. Amazing. So next, spot correcting and concealer हम use करने वाले हैं. And I'm gonna use this concealer palette which is Ace of Base High Coverage Contour Corrector and Concealer Palette. Packaging looks like a book. Like it actually looks like a book. और लिखा भी वैसे ही हुआ है. Let's open this. It's very sturdy, like plastic है but बहुत सही है. और इसमें पीछे सब कुछ लिखा हुआ है. It's 52 grams, 2495 MRP है. And okay, ये अलग होता है क्या? It smells really nice.
वाओ दिस इज मैग्नेटिक। ओ भाई ये तो बड़ा सही है, ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसे हटाई दूंगी क्योंकि ये बहुत ना टूटने वाले काम कर रही हूँ मैं। तो आपको ऐसा बहुत सारे शेड्स मिल रहे हैं एंड ऑल्सो द पैन साइज इज रियली गुड। सो आई एम गोना यूज ग्रीन और अंडर आई करेक्टर हम यूज करने वाले हैं, नॉट समथिंग ऑरेंज, लाइक ये ऑरेंज वाला है बट मुझे इसमें थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करना पड़ेगा ताकि मेरा करेक्ट शेड आ पाए। एक चीज जो मेरे को पसंद नहीं आई वो ये है कि इसमें ना मिरर नहीं है, तो इट्स लाइक रियली फॉर द प्रोफेशनल, तो वो बस यहाँ से लेके लगाते जाएं ऐसे वाला है, तो मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी। तो मैं बस ये कंसीलर ब्रश पे ले रही हूँ एक, एंड ये हल्का सा ग्रीन कलर लूंगी मैं, और जहाँ पे भी मेरे पिंपल्स हो रहे हैं या फिर रेड निशान है वहां पर मैं ये ग्रीन ग्रीन लगाऊंगी। प्रोडक्ट इज गुड, पिगमेंटेशन इज रियली गुड, लाइक एकदम से कवर कर लिया इसने। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड, ये थोड़ा सा मेरे को ऑरेंज वाला लग रहा है तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ। सेम ही ब्रश मैं यूज कर रही हूँ जो ग्रीन वाला यूज करा था उसी से, एंड आई एम जस्ट गोना टेक a little bit more and then मैं अपने under eyes के नीचे ये लगा लूंगी ताकि मेरे dark circles थोड़े से cover हो पाएं। This is blending really nicely and that too with a brush. Like brush से तो मेरे को इतना idea भी नहीं है कि कैसे blend करते हैं and I'm not really used to brushes but it's blending really nicely. Now I'm gonna take this shade और मैं इसे एक sponge की help से pick करूंगी and then I will apply it on my under eyes. Coverage बहुत ज़्यादा अच्छी है, just look at this. बहुत ही बढ़िया coverage है यार. अब जहाँ पे भी मैंने spot correction करा था वहाँ पे मैं यही वाला same shade लगा रही हूँ concealer का and I'm just blending it out. My face looks too white. Like मैंने ये वाला shade mix करके लगाया but still I feel के बहुत ज़्यादा light हो गया and इसमें इतने ज्यादा शेड्स है भी नहीं कि मैं अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से कर पाऊँ। बस मेरे को यही लग रहा है कि ये सारे स्किन टोन्स पे नहीं जाएगा। Obviously I can save this look अगर मैं ब्रॉन्जर वगैरह ज्यादा कर लूँ, but still like it just looks a little too pale and white. Still I'm gonna give it a 9.5 out of 10 because काफी अच्छी कवरेज है, शेड रेंज काफी अच्छी है, एंड द क्वांटिटी इज रियली रियली गुड। पैकेजिंग मेरे को थोड़ी सी अजीब सी लगी, मतलब ठीक है इट्स स्टर्डी इट्स रियली गुड बट आई डोंट नो, लाइक अगर ये नॉर्मल कंसीलर की तरह होता तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता, बट इट इज फॉर प्रोफेशनल यूज तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती बिकॉज आई एम अ नूब एंड आई एम यूजिंग प्रोफेशनल पैलेट, सो इट्स डेफिनेटली अ विन विन सिचुएशन। नेक्स्ट हम यूज करने वाले हैं Ace of Base Liquid Foundation. This is HD Matte Foundation and I am in the shade 03 Madras. Let's see. Oh wow. I like the bottle. Pump wali hi ho to badhiya hai. Yeah, it has a pump. Ye Blue Heaven jaisa pump lag raha hai mere ko. Bahut hi zyada similar laga. And I do think के ये foundation हमारे इस look को थोड़ा सा dark करने वाला है because it looks very dark. Like मैं जब ले रही थी तब मेरे को सिर्फ 4-5 ही shades दिख रहे थे, तो बड़ी confusion सी हो रही थी मेरे को क्योंकि कहीं भी ना swatches वगैरह नहीं थे, online भी available नहीं थे. So yeah, let's just see the consistency of this first. Oh wow, the pump is really good. तो मैंने यहाँ पे 1.5 pump लिया है and this looks really nice. ये मुझे थोड़ा सा dark लग रहा है. I mean we can definitely use this. Also I love the consistency of this. मैं पहले बोल चुकी हूँ but still it's such a full coverage foundation, भाई. Alright, let's just blend this quickly now. This is definitely a very full coverage foundation. Like मेरा कोई नैन नक्श मेरे नहीं दिख रहा, मेरी आंखें इतनी छोटी छोटी दिख रही हैं, आई लुक वेरी वियर्ड, और अभी तो इतनी सारी लाइट्स लग रही है मेरे आगे तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है लाइक अपने आप को देखने में, इट लुक सो वियर्ड। बाकी हम थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेंगे बिकॉज इट्स लुकिंग वेरी वियर्ड राइट नाउ, बट ये एक्चुअली मेरे को वैसा फेस लग रहा है, अपना जो मुआ वगैरह पेंट करती है ना बिल्कुल वैसा लग रहा है, लाइक इट्स टोटली ब्लैंक। आई डिड अ प्रीटी गुड जॉब। अब मैं अपने ब्लेंडर पे थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ ये सेटिंग स्प्रे जो हमारे पास आया था, एंड देन I'm gonna use it on my face. Let's quickly move on to the next product because this foundation is a definitely 10 on 10 for me. I really love it. बहुत ही बढ़िया product लगा मेरे को. It's such a full coverage foundation and for the price like 800 रुपए का है and अभी तो Amazon पे sale चल रही है तो और कम मिल रहा होगा. It's really good. Like it's just so good. Amazing product. Highly recommend you guys to try this once. Perfect. Next, I want to set my under eyes and for that I have Ace of Base Matte Setting Powder. It is actually their translucent powder. तो हम ये वाला यूज करने वाले हैं जस्ट टू सेट माय अंडर आईज फर्स्ट, बाद में हम इसी से अपना फेस भी सेट करेंगे, बट अभी हमारा लिक्विड प्रोडक्ट सारे जो हैं कंप्लीट नहीं हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम गोना यूज इट राइट नाउ। आई रियली लाइक द पैकेजिंग, लाइक ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास लगाया है आई एम रियली इनटू दैट। ओह वाओ ये
ऐसे करके है एंड यहाँ पे ना मेश लगा हुआ है. दिस इज रियली कूल. ओह वाओ सो बाउंसी, खेलने में मजा आ रहा है. बट हाँ अभी के लिए आई एम जस्ट गोना डिप माय ब्रश. ओह फैंसी, ये सही है, इससे एक्सेस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो रियली कूल. जहाँ पे भी ज्यादा क्रीजिंग होती है लाइक ऑन माय स्माइल लाइंस आई एम आल्सो गोइंग टू पुट दिस पाउडर. And that is it. This I'm gonna rate 8 out of 10 क्योंकि जो packaging है ना वो वैसे तो बहुत अच्छी है because इससे ना बिल्कुल भी फैलारा नहीं होगा but कुछ ज्यादा ही अच्छी है क्योंकि निकल ही नहीं रहा है product तो फायदा क्या है. Like ऐसे में भी product नहीं आ रहा है, I really don't know कैसे ही आएगा product. बहुत कम product आ रहा है and that is something I didn't enjoy क्योंकि थोड़ा तो प्रोडक्ट आना चाहिए. लाइक इस पे कुछ आया ही नहीं है और मैंने बिल्कुल ऐसे करके करा था. द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज गुड, तो पाउडर काफी अच्छा है. सो दैट्स व्हाई 8 आउट ऑफ 10 इज आई डू थिंक इज अ वेरी जेनरस रेटिंग फॉर दिस. नेक्स्ट वी हैव लिक्विड ब्लश गाइस. सो फॉर दैट आई हैव रिकोड का एस ऑफ बेस लिक्विड कोराडो लिक्विड ब्लशर एंड आई एम इन द शेड लूज कंट्रोल. नाइस पैकेजिंग और इसमें पिंक पिंक हो रहा है अंदर से, तो ये हल्की सी ना ग्रेश पिंक कलर की पैकेजिंग हो रखी है. इट्स नॉट अ ट्यूब पैकेजिंग, आई ऑलरेडी डोंट लाइक इट. आई डोंट थिंक आई चोज दिस शेड बिकॉज इट्स नॉट नाइस. बट या एनीवेज लेट्स जस्ट ट्राई दिस प्रोडक्ट. काफी ज्यादा मूजी कंसिस्टेंसी है इसकी. इट्स नॉट अ क्रीम क्रीम बट इट्स अ वेरी मूजी कंसिस्टेंसी. एंड पिगमेंटेशन की अगर बात करी जाए तो ठीक है, लाइक फॉर द कलर इट्स गुड बट इट्स गोना लुक बेटर ऑन आई गेस डार्कर स्किन टोन. बट दिस इज नॉट लुकिंग गुड ऑन मी बिकॉज इट्स टू पिंक, लाइक बहुत ही ज्यादा लाइट शेड है तो ये डार्क स्किन पे बहुत खिलकर आएगा कलर. बट आई डोंट लाइक दिस एट ऑल. बट द प्रोडक्ट इन इटसेल्फ इज गुड. शेड मैंने गलत चूज करा है, आई डोंट नो कि मैंने कैसे गलत चूज कर लिया. बट उसके अलावा मेरे को कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी लग रही है, लाइक इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी मूजी. एंड मैंने ऐसा प्रोडक्ट लाइक इतना एयरी प्रोडक्ट नहीं यूज करा अभी तक फॉर अ लिक्विड ब्लश, सो दैट इज रियली नाइस. ब्लश को मैं रेट करूंगी 9.5 आउट ऑफ 10 बिकॉज ब्लश बहुत ज्यादा प्यारा है, अच्छी खासी पिगमेंट आ रही है. बट आई रियली डिडंट लाइक द शेड बिकॉज इट्स टू लाइट फॉर मी. सो शेड लूज कंट्रोल को मिलने वाले हैं 3 आउट ऑफ 10 लेकिन लिक्विड ब्लश को मिलने वाले हैं 9.5 आउट ऑफ 10. नाउ अगेन आई एम टेकिंग दिस कलर करेक्टर पैलेट और इसमें से मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला शेड जो कि ब्राउन शेड है. मैं इसे एज अ कॉन्टोर यूज करने वाली हूँ, मोर लाइक अ ब्रॉन्जर. एंड आई हैव ऑलरेडी रेटेड दिस प्रोडक्ट सो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करने वाली हूँ. Now let's set our face with this prep set and glow again and we will be done with our base makeup. Fragrances काफी अच्छी हैं इन प्रोडक्ट्स में, so I really like that. Now for the eyebrows, I will be using Ricoh Studio Pro का Brow Show Brow Pomade and it says that up to 24 hours long lasting. I don't know about that, लेकिन बाकी सबका मैं आपको रिव्यू दे देती हूँ. तो पहले हम पैकेजिंग एक बार इसकी हटा लें. It is very smooth, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोटा है and also it's very blurry, like it's not sleek. I don't know what to do with this. Let's try though. The spoolie is really nice. Bahut bahut sturdy, bahut zyada penny hai and I really like that. I don't like this pencil. It's very mota. Blend काफी अच्छा हो रहा है but it's very very thick. Although मेरे को ये pencil पसंद नहीं आ रही थी but eyebrows काफी अच्छी हुई हैं. I was thinking in my head कि मैं इसे almost like 6.5-7 rating दूंगी but I really like my eyebrows. Like आपने पहले भी देखा बहुत मोटा मोटा इससे चल रहा है but जब आप इसे blend करो ना it's very very easy to blend और काफी बढ़िया आया है. So I'm very confused. So I'm gonna give it 8 out of 10. It looks 10 on 10 but I just don't like this pencil. So I am a little biased कि मोटी चल रही है and मुझे पसंद नहीं आ रही. But yeah, it looks very nice. But still I'm gonna rate it 8 out of 10. Now मेरे पास कोई भी eye shadow वगैरह नहीं दिख रहा था मेरे को Ricoh का. So I ordered this product which is turning heads with a smudger. So it's their pencil crayon eyeliner. And काजल evergreen, मतलब हर चीज लिख रखी है तो green color का है. So we are going to do that like a little green moment on our eyes. इतनी बड़ी चौड़ी packaging में एक pencil आई है. तो इसके पीछे ये कुछ आया हुआ है तो ये थोड़ा सा ना इरेजर टाइप का है. सो इट्स लाइक अ लिटिल ब्लेंडिंग टूल जो वो अपने साथ दे रहे हैं. लाइक इसमें मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं देखा है लाइक स्मजर टूल. तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस वर्क्स. ओके पेंसिल काफी ज्यादा अच्छी है.
very easy to glide. I really love the shade and everything. So let's see how this smudger works. Oh. I mean, I do think it's a nice, innovative product, but I don't know. I don't know what to feel about this product. Like, it created a very nice smoky effect, but it's not very precise. Because it's very moota hai. It will need a little more practice for me to sahi ho jaye. Because ye wala fir bhi better aaya hai, but this one just isn't working. So yeah, it's a mix for me. Pencil काफी अच्छी है, but smudger tool का I won't be able to say. So pencil को मैं 9 out of 10 rate करना चाहूँगी. Like this kajal is very pigmented. Let me also do a swatch right here. Like this is very pigmented, very soft, very easy to glide, smooth like butter. It's amazing. It's very, very nice. So yeah, 9 out of 10. Next, I also bought this Recode All That She Wants Kohl Kajal Pencil in the shade white. So mere paas koi bhi white color ka kajal nahi tha. So I bought this one. Taki main aapko variety ke looks serve kar saku. So let's just see how it looks. Pehle hum ek swatch kar lete hain. Oh, wow. This is very white. Like, it's as white as it can be. So, मैंने बस ये inner corner पे हल्का हल्का लगाया है, just like मेरी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगे and it actually makes a difference. मुझे काफी अच्छी लगी ये pencil because same ही formula है and मुझे वो भी काफी ज़्यादा पसंद आया था, very easy to glide वाला है, white color भी काफी ज़्यादा pigmented है, so I really like it and I'm gonna give it 10 out of 10. Next we have Recode mascara which is We Stole the Show and it says कि 12 घंटे तक last करता है, so again like can't say about that, लेकिन हाँ लगाकर हम देख लेते हैं कि कैसा है. And I have the shade black. और ये blue color का है, like इसकी packaging white क्यों नहीं है? Oh, इसकी wand बिल्कुल वैसी है जैसे Sky High mascara की wand है. Not volumizing my lashes, लेकिन length काफी अच्छी दे रहा है, which is really good. But अगर थोड़ा सा हल्का सा volume भी provide कर देता तो ज़्यादा better होता, because it's just looking very thin on my lashes. Look at the difference. इसमें मैंने मस्कारा लगा रखा है, इसमें मैंने मस्कारा नहीं लगा रखा. It looks very long, like my lashes look super duper nice. I love this mascara. तो हल्का सा अगर volume वाला part होता तो बहुत amazing होता. But this is also really good. It's really really nice. I love this mascara. I'm gonna give it 10 out of 10. It's amazing. Like the length my lashes have right now is amazing. Like look at them. So now we are left with one last step, which is lipstick and लिपस्टिक के लिए मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं. तो मैंने तीन तरह की अलग अलग लिपस्टिक खरीदी हैं. एंड द फर्स्ट वन इज देयर सेल्फी मैट लिप कलर क्रीम. देन आई हैव देयर शो स्टॉपर मैट लिप क्रेयॉन व्हिच इज नॉन ट्रांसफर लिप कलर. एंड देन आई हैव अ हाइड्रेटिंग मैट लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम रिकोड स्टूडियो प्रो. तो मैं इन तीनों का ही पहले आपको शेड दिखा देती हूँ. सो फर्स्ट वन दैट आई एम अप्लाइंग इज द हाइड्रेटिंग मैट लिक्विड लिपस्टिक व्हिच इज इन द शेड 03 मार्च. देन आई एम अप्लाइंग शो स्टॉपर मैट लिप क्रेयॉन इन द shade 09 white sensation. I don't know iska naam 09 white sensation kyun hai, maybe because of the product packaging, but I don't know. And the last I have selfie matte lip color cream in the shade 30, which is Saint Patrick's Day. Now I'm just thinking, agar main apne makeup ko dekhu to jo brown wala shade hai wo mereko kafi zyada acha lag raha hai, but I also like this shade. तो यही वाला लगाते हैं 33 सेंट पेट्रिक्स डे. तो मैंने अपने लिप्स हल्के हल्के लाइन कर लिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस शेड. ओह वाओ, दिस इज रियली नाइस. वॉन्ड बहुत अच्छी है, लाइक बिल्कुल ना लिप्स की शेप आ रही है वॉन्ड पे. आई लाइक द वॉन्ड. ओह वाओ, I am really in love with the lip color. Like it's just so pretty. बहुत बहुत pretty है and it's not, you know, very drying on my lips. Like it's not at all drying on my lips. Very तो छोड़ो, feels very comfortable. I am really happy with the whole makeup, specifically foundation, mascara और lip shade. Like तीनों ही lip shade मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, चाहे वो crayon हो चाहे matte lip color हो. I really like the outcome. Blush बस थोड़ा सा dark होता, थोड़ा और you know खिल के आता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बट ओवरऑल आई रियली लाइक द लुक. काफी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, मेरे को तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं लगी लाइक पैकेजिंग वाइज भी. बस एक ट्रांसल्यूसेंट पाउडर जो था उसकी पैकेजिंग मेरे को थोड़ी सी डाइसी सी लगी, बट अदर देन दैट इट्स वेरी गुड पैकेजिंग फॉर द प्राइस ऑल्सो. एंड या आई रियली एंजॉयड दिस मेकअप लुक. अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो एंड अगर आप रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स ट्राई करना चाहते हैं तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. एंड आई एम गोना रेट लाइक दिस होल आउटफिट
9.5 out of 10 just because मेरे पास कोई भी आई शेडो नहीं था. आई वुड रियली लव टू ट्राई देयर आई शेडो ऑल्सो बिकॉज जो बाकी के प्रोडक्ट है वो तो बहुत सुंदर है. तो मेरे को काफी ज्यादा मजे आए ये पूरा का पूरा वीडियो करने में. अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है देन यू नो वॉट टू डू. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Chilbi. आई एम गोना मीट यू इन एन अमेजिंग वीडियो सुपर डुपर सून. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. आई लव यू ऑल सो मच. बाई.